मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खड़ा पत्थर हाटकोटी रोडू सड़क का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़क का अधिक से अधिक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जहां आवश्यकता हो वहां संपर्क सड़कों को चौड़ा करने व इनकी मुरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोहड़ू के दशालनी में क्रमशः 1.58 करोड़ रुपए और 1.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय के नव निर्मित भवन और विज्ञान प्रयोगशाला खंड का लोकार्पण किया। उन्होंने रोहड़ू में 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित बचत भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में स्कूल के एक अतिरिक्त खंड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। निर्माण में देरी पर असंतोष जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से कार्य में हुए विलंब की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त खंड के लिए धनराशि और साइट प्लान स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने इस अतिरिक्त खंड की समूची योजना तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना में लड़कियों के लिए छात्रावास, खेल मैदान, कक्षा कमरे और परिसर के चारों ओर चार दीवारी का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं में देरी के लिए ठेकेदारों को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि उन्हें सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के कार्य में देरी के लिए जिम्मेवार सभी संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वीरभद्र सिंह ने सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए स्कूली बच्चों को अपनी ऐच्छिक निधि से 10,000 रुपए देने की घोषणा की। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।